हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वॉलंटियर एंट्री के लिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट काइंड को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये पढ़ा था। इसमें अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। प्रूव दैट द वॉलंटियर एंट्री के लिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट काइंड एफ एक्स बराबर लेमडा 0 to x के एक्स जाई यू जाई डी जाई कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ वॉलंटियर एंट्री के लिए क्वेश्चन ऑफ सेकेंड काइंड प्रोवाइडेड के एक्स एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉलंटियर एंट्री के लिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसको हम सेकंड काइंड में चेंज कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से देख सकते हैं हम। द गिवन इक्वेशन जो है वो है एफ एक्स बराबर लेमडा 0 to x के एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स। ये डी एफ अपॉन डी एक्स निकाला तो लेवेंटीज रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, या अगर लिमिट इस तरह से हो फंक्शन ए टू डी एक्स, और ये हो हमारे पास एफ एक्स टी डी टी। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाता है ए एक्स टू बी एक्स, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स एंड टी ऑफ डी टी प्लस यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स और ये बी एक्स, उसके साथ ही डी बी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, और ये हो जाएगा एफ एक्स ए एक्स एंड लोअर लिमिट एंड डी ए एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास लेवेंटीज फॉर्मूला होता है। तो लेवेंटीज फॉर्मूला की हेल्प से जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया डी एफ अपॉन डेल एफ, लैम्ब्डा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, 0 to x डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई ये हो गया, प्लस के एक्स एक्स क्योंकि यहाँ पे हमें अपर लिमिट अप्लाई करनी है, तो के एक्स एक्स हो गया। और उसके बाद हमने डी एक्स अपॉन इस तरह से जैसे यहाँ पर क्या है इस तरह से इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो ये 1 हो जाएगा, और साथ में यू जाई की जगह यू एक्स आ जाएगा। और जब लोअर लिमिट का अप्लाई करेंगे तो चूंकि ए जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में हमारे पास ए कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर ये टर्म आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें ये टर्म चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो माइनस लेमडा के एक्स एक्स यू एक्स बराबर लेमडा 0 to x डेल डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया यू एक्स बराबर बाकी टर्म का हमने डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन लेमडा के एक्स एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस 0 to x माइनस 1 अपॉन के एक्स एक्स, क्योंकि इसको हमने अंदर डिवाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये झाई का फंक्शन है, यानी एक्स जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा अंदर। तो ये के एक्स एक्स डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई, तो ये हो गया हमारे पास यू एक्स बराबर जी एक्स, जो कि इस फंक्शन को हमने जी एक्स एज्यूम कर लिया क्योंकि ये फंक्शन एक्स का फंक्शन है और ये 0 to x, और इस फंक्शन को हमने एच एक्स जाई एज्यूम कर लिया और यू जाई डी जाई। अब ये फंक्शन फ्रेंड्स हमारे पास वॉलंटियर इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी वॉलंटियर इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बशर्ते उसकी कर्नल जो हो 0 के इक्वल ना हो वो सेकेंड काइंड में कन्वर्ट की जा सकती है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, रिड्यूस द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन ये है हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू लैम्डा 0 to x ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई टू द सेकेंड काइंड हेंस सॉल्व इट। तो इसमें सेकेंड काइंड में चेंज कन्वर्ट करना है तो पहले सेकेंड काइंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन दैट साइन एक्स बराबर ये है लैम्डा 0 to x ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास इसका साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, लैम्डा फिर से 0 to x जो कि हम लेवेंटीज फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं लैम्डा 0 to x ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर, बेसिकली क्या आएगा डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई
यूज आई डी जाई, तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यूज आई, क्योंकि ये बाकी चीज तो कॉन्स्टेंट करेंगे, पार्शियल सॉरी अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यूज आई डी जाई। अब हमें अपर लिमिट के लिए करना है, तो अपर लिमिट के लिए तो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि फंक्शन जो होगा वो एफ बेसिकली एक्स और जो अपर लिमिट होती है बी एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स का फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे जाई की जगह एक्स पुट कर दिया, ये हो गया हमारे पास यू एक्स। और जब इसका डेरिवेटिव क्या, तो डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन, ये आ गया लेमडा लेमडा, ये टर्म भी वन हो जाएगी यू टू द पावर एक्स, और ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ये वन हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया कोस एक्स बराबर लेमडा जीरो टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब लोअर लिमिट को हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जीरो है, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, तो वो जीरो ही हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास यू एक्स जाई यू जाई डी जाई प्लस लेमडा यू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास यू एक्स को इधर ले जाएंगे, या हम ये कहें बाकी इस टर्म को हम इधर ले गए, तो ये हो गया यू एक्स बराबर वन अपॉन लेमडा, लेमडा डिवाइड करते हैं कॉस एक्स माइनस जीरो टू एक्स ई टू पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई, जो कि हमारे पास वॉलंटियर इंटीग्रल इक्वेशन है सेकेंड काइंड। और इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा था, ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी वीडियोज बना चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ इटरेटेड कर्नल या रिसॉल्वेंट कर्नल टू सॉल्व द वॉलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।